जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? और यहाँ पर रियासत मदीना का नारा लगाने वाले साहब क्या करते हैं कि इलेक्शन से चंद दिन पहले, कुछ अरसा पहले अंदाजा लगाएं कि एक कब्र के सामने जाकर अपना सर जमीन पर टिका देते हैं। मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये एक इंसान आजी में उनकी चौकट पर लोग पैर रखते हैं, आप उसको बोसा देते हैं, ये सजदा नहीं होना। चोरी ऊपर से सीना चोरी, उसके ऊपर से इस कदर वजाहतें, इस कदर वजाहतें, नहीं नहीं यूं नहीं था, वो था, सर नीचे रखा था, नहीं था, पता नहीं चोमा था, फलां हुआ था, सजदे की फॉर्म की ऊपर से वजाहतें भी दे रहे हैं। और भाई तौबा कर लें, कह दे नहीं करना चाहिए था, वो क्या उधर नऊज़ु बिल्लाह को खुदा था वहां पे। लोगों का ये ख्याल है और बात भी ठीक है कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिया कि एक एक हिस्ट्री है इमरान खान की सिंसियरिटी की पाकिस्तान के साथ, कि क्रिकेट जब खेला तो इमरान खान ने अच्छे तरीके से खेला, सिंसियरली खेला और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और फिर अल्लाह ने फतह भी दी 92 के वर्ल्ड कप में। फिर पाकिस्तान का पहला और बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सोचा तो वो भी अल्लाह की रहमत से वो भी बना लिया और बिल्कुल सक्सेसफुल बनाया। तो लोगों ने इसलिए वोट भी दिया, ठीक है, आई डू एग्री कि कॉम्पिटेंट बंदा है, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने है कि इमरान खान साहब भी बिल्कुल फेल हैं गवर्नमेंट में आने के बाद। उनकी टीम में देखें असद उमर साहब जैसे, जो जिसको कहते हैं कि फाइनेंस के एक्सपर्ट, वो लोग मौजूद हैं और बड़े कॉम्पिटेंट और पढ़े लिखे लोग जिनको हम क्रीम समझते हैं अपनी सोसाइटी की, वो लोग हैं ये, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। क्या वजह है? देखें पहली तो बात यह है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसमें होता यह है कि बनना उसने हुक्मरान होता है जिसको सबसे ज़्यादा ख्वाहिश हो, तलब हो, और वो जान मार के वो हुक्मरानी हासिल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस्लाम का तो उसूल है कि मांगने वालों को ओहदा नहीं दिया जाता। आप सल्लम के पास दो सहाबा आए, उन्होंने फरमाया कि कुछ ओहदा जिम्मेदारी तलब की, तो आप सल्लम ने फरमाया कि मांगने वालों को हम ओहदा नहीं देते। एक और रवायत के मुताबिक है कि आप सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ओहदा या जिम्मेदारी तलब करोगे तो उसके हवाले कर दिए जाओगे, लेकिन अगर तलब ना करने के बावजूद तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द की जाए तो तुम मदद किए जाओगे, यानी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे हुक्मरान आते ही हैं दावे करके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक करोड़ नौकरियां देंगे, 1,00,000 घर बनाएंगे, तो उनके अंदर ख्वाहिश और तलब होती है, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर अल्लाह भी उनको आजमा लेता है कि ठीक है तुम तो कहते थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कर लो फिर। पहली तो बात यह है कि इस वजह से भी इस पॉलिटिकल सिस्टम से सक्सेस नहीं आ सकती एज सच। दूसरी बात यह है कि ठीक है आप ये भी आर्गुमेंट ले सकते हैं कि जी अगर ऐसे नहीं करेंगे इस पॉलिटिकल सिस्टम में तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन ही है, तो अब सब लोग पीछे हो जाएं कि मैंने तलब नहीं करना, तो ज़ाहिर है घर आके तो नहीं किसी ने प्राइम मिनिस्टर किसी को बुलाना, तो चलें ठीक है अगर किसी की ये इंटेंशन है कि वो वाकई लोगों की खैर चाहता है इसलिए वो सामने आया, तो चलें देख कह सकते हैं कि जी ठीक है इस सिस्टम में पॉसिबल ही यही है। तो फिर देखें जो आपकी इंटेंशंस होती हैं, जो आपकी नीयत होती हैं, उसके मुताबिक आपका अमल है या नहीं, ये बड़ा मैटर करता है। इमरान खान साहब ने नारा लगाया रियासत मदीना का, रियासत मदीना को छोटी बात नहीं है, यानी अल्लाह के रसूल महबूब रबानी नबी मुकरम ख़ातमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई, जिसके अंदर ऐसा इंसाफ कायम किया, जिसके अंदर जैसा कानून कायम किया कि इंसानों में से कोई और कायम नहीं कर सकता, उसका नारा लगाया, लेकिन उनका कौल ये था और अमल कितना मुख्तलिफ था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है,
इंसानियत में सबसे बड़े बुत शिकन कि जिन्होंने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, वो अपने असा मुबारक से खुद जाके उनको पाश पाश किया। कितने सहाबा मौजूद थे, कितने साथी मौजूद थे, किसी को भी साथ ले सकते थे, कह सकते थे। आसलम ने अपने अपने हाथ मुबारक से, अपने असा मुबारक से उनको बुतों को गिराया नीचे। आप सल्लाम शिरक का खात्मा करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, और यहाँ पर रियासत मदीना का नारा लगाने वाले साहब क्या करते हैं कि इलेक्शन से चंद दिन पहले, कुछ अरसा पहले अंदाजा लगाएं कि एक कब्र के सामने जाकर अपना सर जमीन पर टिका देते हैं। आप लाख कह लें कि सजदा ताजीमी था, वो सजदा ताजीमी तो शिर्क अकबर है दीन इस्लाम में। आप लाख कह दें कि वो चौखट को चूम रहे थे। जिस तरह आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, चाहे रुकू की फॉर्म में हो, सजदे की फॉर्म में हो, इस तरह आप किसी के आगे झुके वो शिर्क है। सजदे की फॉर्म में शिर्क अकबर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ऐ ईमान वालों तुम लोग वो बात कहते क्यों हो जो कर नहीं सकते या करते नहीं हो। और ये साहब क्या करते हैं कि कितना बड़ा दावा कर देते हैं रियासत मदीना कायम करने का। मैं ये समझता हूं कि ये इस कायनात कुर्रा अर्ज का सबसे बड़ा दावा है। और अपना अमल कैसा है कि आगाज ही वहां से होता है कि वो अपनी जो पेशानी है, जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने की जिसको इजाजत है, उसको एक चौखट पे गिरा देते हैं। फिर अल्लाह की मदद कैसे आ सकती है? अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को और शिर्क की हमायत करने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। अहले मक्का के साथ क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह के घर को बुतों से आबाद नऊज़ु बिल्लाह किया था? आज लोग उनके नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अबू जहल एक गाली है कि जो मुशरिकों का सरदार था शिर्क पे मरा। तो अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को दुनिया में भी जिल्लत का सामना के हवाले कर देता है और आखरत में भी। और उसके ऊपर इस कदर, एक तो कहते हैं कि चीन, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, उसके ऊपर से इस कदर वजाहतें, इस कदर वजाहतें, नहीं नहीं यूं नहीं था, वो था, सर नीचे रखा था, नहीं था, पता नहीं चूमा था, फलां हुआ था, सजदे की फॉर्म की ऊपर से वजाहतें भी दे रहे हैं। और भाई तौबा कर लें, कह दें नहीं करना चाहिए था। वो क्या उधर नऊज़ु बिल्लाह को खुदा था वहां पे? उस कब्र के अंदर क्या था? एक इंसान था जो इस दुनिया से चला गया। यकीनन वो कोई अल्लाह के नेक बंदे हुए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी चौखटें चूमने लग जाएं आप। फिर अल्लाह की मदद कैसे है? ऊपर से वजाते हैं, हुजते हो गया, काम एहसास हो गया, तो अब अपनी अना को लेकर बैठे हुए हैं। एक तो ये कि शिर्क, ऊपर से ये कि अना, तकब्बुर। आप सल्लम की हदीस का मफहूम है कि तकब्बुर अल्लाह की चादर है, उसको मत खींचो। अल्लाह की, यानी एक मिसाल समझाने के लिए कि ये सिर्फ अल्लाह को रास है, उसको जो खींचने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखरत में जलील कर देगा। एक तो शिर्क, ऊपर से किबर, ऊपर से गुरूर और तकब्बुर, ऊपर से सीना जोरी, फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? और डू एग्री, ये तो दुनिया के सामने मिसाल बनती जा रही है कि इतना कॉम्पिटेंट बंदा भी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं जीत सकता, अल्लाह की मदद के बगैर कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इमरान खान साहब के साथ है कि मदद अल्लाह करता है, रास्ता अल्लाह खोलता है, कामयाबी अल्लाह देता है, और दावा अपने ऊपर ले लेते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ओ भाई, अल्लाह ताला का अजाब होती हैं ये जो मुजी अमराज होते हैं, ये जलजले आफतें, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमारे ऊपर उस इस कोरोना, इस मुजी मर्ज की वो वाली चीज मुसल्लत नहीं की जिस कदर ये दूसरे ममालिक में हुई है, दूसरी जगहों पे हुई है। और हम क्या कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गया। अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है चीज, बड़ाई अल्लाह के लिए है, रहमत अल्लाह की तरफ से है, मुसीबत अल्लाह की रहमत से टलती है, कामयाबी अल्लाह की रहमत से मिलती है। इमरान खान साहब, नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ आपसे हुई भी हो,
हालांकि नहीं होती इंसानों से, तो भी आप उसको रिगार्ड अल्लाह से करें। इंसानों से तो होता नहीं है कुछ, एक रोटी तो आप कमा नहीं सकते। एक मक्खी, कुरान में अल्लाह ताला ने मिसाल दिया कि अगर मक्खी भी तुमसे कुछ लेकर चली जाए तो तुम वापस नहीं ले सकते। कोई ले के दिखाए जरा, मक्खी कुछ ले गई है ना, उसे छीन के खा के दिखाए इमरान खान साहब। अभी पिछले दिनों मक्खी उन्हें तंग कर रही थी, उसके आगे बेबस थे, वो वीडियो वायरल हुई हुई थी, और कहते हैं कि जी हमने कोरोना खत्म कर दिया, वायरस खत्म कर दिया। नहीं, अल्लाह ने खत्म कर दिया। और ये कोरोना से लड़ेंगे? नहीं, कोरोना से नहीं लड़ सकते आप। आप अल्लाह की पनाह जरूर मांग सकते हैं और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से 100 कॉम्पिटेंट आप उन्हें कहते रहे, उन्हें कामयाबी ना मिली है ना मिल सकती है। महंगाई से महंगाई होती रहेगी, मसाइल से मसाइल बढ़ते रहेंगे, जब तक अल्लाह से चीजों को एट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे दुनिया पूरी के सामने सजदा किया कब्र पे, उसी तरह दुनिया के सामने उससे ताइब भी हों, उनको बताएं कि ये काम गलत है, मैंने गलत किया, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसी कामयाबी देता है। फिर जो रियासत मदीना का आपको शौक है ना, जेन्युइन उसको शौक को, नीयत को वैसे करें, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और यहां तक कि आपने लोगों के सामने अपना इमेज ऐसे बना दिया है कि अपनी प्रेज के लिए ऐसी कैंपेन चलाई भी है कि इमरान खान को लास्ट होप कहा जा रहा है। लास्ट होप सिर्फ अल्लाह है, कोई इंसान इंडिस्पेंसिबल नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, तमाम मखलूकात में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल मुकाम दिया, लेकिन लास्ट होप सिर्फ अल्लाह है, आखिरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ उठाते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं, सहाबा भी, उनके साथी भी हाथ उठाते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं। कभी किसी साहबी ने नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मुझे बचा लो, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। कभी किसी साहबी ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बख्शिश नहीं मांगी। जिसने मांगा अल्लाह से मांगा, जिसने एट्रीब्यूट किया अल्लाह से किया, और यही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए आए। लास्ट होप सिर्फ अल्लाह सुबहाना व तआला है, कोई इंसान कभी भी लास्ट होप नहीं है। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इंसानों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिस्पेंसिबल ना हो। हर इंसान डिस्पेंसिबल है। इमरान खान साहब आपकी कितनी उम्र है? सारी जिंदगी यही रह लेंगे? चार जिंदगी चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आपके अल्फाज सुकून सिर्फ कब्र में है। दुनिया को, दुनिया में ही अल्लाह ताला ने आपको इस कदर परेशानी और आजमाइश में डाल दिया है कि आपको दुनिया में गुजरा हुआ हर दिन तकलीफ में लगता है। रियासत मदीना का हुक्मरान तो वो होता है कि दरख्त के नीचे सोया होता है, और दूर दराज से लोग मिलने के लिए आते हैं, हुक्मरान को ढूंढते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों को वो महल ढूंढ रहे होते हैं, कोई मसनद ढूंढ रहे होते हैं, कोई दरबान ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि जाएं देखें, वो सहरा में एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, दोपहर की नींद ले रहे हैं। ये होता है वो सुकून। रियासत मदीना का हुक्मरान ये नहीं कहता कि सुकून सिर्फ कब्र में है, दुनिया में भी अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमत नाजिल करता है और आखरत में भी। आप शिर्क से तौबा तायब हों, चीजों हर कामयाबी को अल्लाह से एट्रीब्यूट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखरत में भी।